श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं रेशियो एनालिसिस लेसन से क्वेश्चन नंबर 39 और इस क्वेश्चन में जो चीज हमें पूछी गई है और जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है वो कुछ इस तरीके से है। हमें दिया हुआ है सेल्स 12 लाख, जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट 25% है ये सेल्स का, करंट लाइबिलिटीज 2,50,000, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है 3 times और एसिड टेस्ट रेशियो है 0.75:1 और 75:1। कैलकुलेट हमें करना है क्लोजिंग स्टॉक, लिक्विड एसेट्स और करंट रेशियो। तो हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है ऊपर उनके आधार पे तीन जो नीचे चीजें दे रखी है वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमें थोड़ा इनके फॉर्मूले ध्यान रखने होंगे कि किस तरीके से कौन से फॉर्मूले से कौन सी चीज है जो आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक है यानी जो स्टॉक की बात करें तो ये कहीं ना कहीं स्टॉक टर्नओवर रेशियो से जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए जो एसटीआर है स्टॉक टर्नओवर रेशियो उसका है जो यूज करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। स्टॉक के लिए जो फॉर्मूला हम यूज लेंगे एसटीआर का वो कौन सी तरीके से होगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज और टोटल स्टॉक। नीचे एवरेज स्टॉक आता है लेकिन कई बार क्या होता है हमें दोनों प्रकार का जो स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग नहीं हो तो उस कंडीशन में जो स्टॉक हमारे पास होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, टोटल स्टॉक के रूप में मान लेते हैं। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करके हम स्टॉक निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए हमें, एसटीआर हमें दिया हुआ है 3 times दे रखा है, एवरेज स्टॉक या स्टॉक हमारा निकल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा। वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमें क्या करना होगा, यहां लिखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरीके से आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरीके से निकाले। तो इसके लिए फॉर्मूला है सेल्स माइनस जीपी। सेल्स हमेशा 100% होती है, जीपी हमारा इसमें दिया हुआ है 25%, तो ये आता है 75%। 100 में से 25 घटाएंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा, सॉरी 75% हो जाएगा। तो 100 में से 25 घटाया जीपी तो ये 75% आ गया, ये इसका फॉर्मूला है सेल्स माइनस जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट घटा देंगे सेल्स में से तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही बचेगा। तो यहां जो 12 लाख है ठीक है सेल का, हमें क्या करना है 75% निकालना है ठीक है। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है सेल में से जीपी निकाल के घटा दीजिए आप तो भी कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, यहां सेल लिख दिया हमने 12 लाख माइनस जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट 25% है सेल्स का, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट 25% इसका निकालने के लिए आएगा 3 लाख जो कि कितना है 25% है। तो ये आप 12 लाख का निकालेंगे 25% तो 3 लाख आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9 लाख। तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जो कि 9 लाख आ रहा है, आप 75% निकालेंगे 12 लाख का तो भी 9 लाख ही आएगा। तो इस तरीके से दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, चीज एक ही आएगी। तो अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, स्टॉक निकालना है, एसटीआर दिया हुआ है 3 times यानी लिखेंगे 3, इधर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा 9 लाख, इधर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक जो बचेगा अंतिम स्टॉक क्या आएगा, इधर टोटल स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पूछा इसलिए क्लोजिंग स्टॉक लिख रहे हैं आप। तिरछा गुणा करेंगे क्योंकि बीच में बराबर का निशान है, ये इधर आएगा ये इधर आ जाएगा, यह स्टॉक 3 क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल 9 लाख, 3 बराबर से इधर बचे इसके नीचे आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक इज
इक्वल 9 लाख अपॉन 3 क्या आएगा 3 लाख, यानी 3 लाख आएगा ये क्लोजिंग स्टॉक। इसको स्टॉक लिख सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक से एक ही बात होगी यहाँ, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती, जो स्टॉक बचेगा जो क्लोजिंग ही है, इसलिए ये इसी तरीके से मानेंगे इसको 3 लाख ही आएगा। तो इस तरीके से स्टॉक का वैल्यूएशन हो चुका है। अब हमारे को जो दूसरी चीज निकालनी है वो है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का जो फॉर्मूला हम यूज लेते हैं वो होता है लिक्विड जो रेशियो है उसका जो फॉर्मूला हम यूज लेंगे तो लिक्विड एसेट्स आ जाएगी। तो ये जो लिक्विड एसेट्स का जो फॉर्मूला हम यूज लेंगे वो लिक्विड रेशियो वाला होगा। तो हमें इसमें लिक्विड रेशियो दे रखा है, देख सकते हैं लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, आप देख सकते हैं तीनों एक ही नाम है। एसिड टेस्ट रेशियो को लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, क्विक रेशियो भी कहते हैं, इसके तीन नाम है। तो हमें लिक्विड रेशियो दे रखा है तो इसलिए लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे। लिक्विड रेशियो इज इक्वल लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो इसका ये फॉर्मूला है। अब हम फॉर्मूले में जो चीज है वो रखेंगे। तो सबसे पहले लिक्विड रेशियो हमारे पास, लिक्विड एसेट्स हमारे पास का जो अनुपात है 0.75:1, यानी जो अनुपात में जो चीज होती है वो बट्टे में होती है, इसलिए उसको इसी तरीके से लिखना है। जो लिक्विड रेशियो है ये है लिक्विड एसेट्स का, और आगे अनुपात है वो क्या है करंट लायबिलिटीज है, क्योंकि बट्टे में होता है अनुपात हमेशा। तो इस तरीके से इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब बराबर में इनका लिक्विड एसेट्स या करंट लायबिलिटीज जो भी हमारे पास है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज दे रखी है ये 2,50,000, तो हम लिक्विड एसेट्स इस तरीके से यहाँ लिखेंगे और नीचे लिखेंगे करंट लायबिलिटीज 2,50,000। अब क्या करना है, हमें तिरछा गुणा करना है, बराबर का निशान है बीच में, इसको इससे इसको इससे। तो लिक्विड एसेट्स इज इक्वल 25 जो 2,50,000 इसको 0.75 से गुणा करते हैं, तो इसके लिए हमें कैलकुलेटर की हेल्प लेनी है। तो ये आता है 1,87,500। तो इस तरीके से लिक्विड एसेट्स हमारी है जो आती है 1,87,500। तो लिक्विड एसेट्स हमारी कैलकुलेट हो चुकी है, लिक्विड एसेट्स आ गई है। अब दो चीजें हमारी जो हमें पूछी थी नंबर 1 और 2 वो क्लियर हो चुकी है। अब तीसरे नंबर पे जो चीज पूछी है वो है करंट रेशियो। करंट रेशियो के लिए जो हम फॉर्मूला यूज लेते हैं वो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज तो हमें दे रखी है लेकिन हमारे पास करंट एसेट्स नहीं है। करंट एसेट्स किस तरीके से आ सकती है, तो करंट एसेट्स निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज लेंगे वो होगा लिक्विड एसेट्स प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये फॉर्मूला है कि आप करंट एसेट्स में से यदि स्टॉक को प्रीपेड घटा देते हैं तो लिक्विड एसेट्स बच जाती है, लिक्विड एसेट्स घटा देते हैं तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस बच जाते हैं। लेकिन ये हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है तो क्या बच रहा है, स्टॉक बच रहा है। ठीक है, तो हमारे पास स्टॉक भी है और लिक्विड एसेट्स भी है, हम इन दोनों की सहायता से करंट एसेट्स है उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो करंट एसेट्स इज इक्वल लिक्विड एसेट्स, हमने भी कैलकुलेट करी है 1,87,500 स्टॉक का भी हमने मूल्यांकन किया तो ये आया था 3 लाख। तीन लाख और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा करंट एसेट्स, ये होगा 4,87,500। तो करंट एसेट्स हमारी कितनी है, 4,87,500 है। अब हमारे पास करंट लायबिलिटीज भी है, करंट एसेट्स भी है, तो करंट रेशियो आसानी से हम निकाल लेंगे। किस तरीके से, फॉर्मूले का यूज करेंगे, करंट रेशियो इज इक्वल 4,87,500 अपॉन करंट लायबिलिटीज है 2,50,000।
करंट लायबिलिटीज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और करंट एसेट्स की हमने गणना कर ली है। अब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो ये आता है लगभग 1.95। इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 1.95 आएगा, ठीक है। बराबर में हम लिख सकते हैं 1.95 अपॉन नीचे 1 लिखेंगे, ठीक। इसका इसमें भाग लगाएंगे 1.95 आएगा, बराबर में आप ये बटे में 1 लिख सकते हैं तो अनुपात के रूप में हो जाएगा अनुपात 1। तो इस तरीके से ये 1.95 अनुपात 1 होगा। तो इस तरीके से ये हमारे जो सारे के सारे टॉपिक हैं कैलकुलेट हो चुके हैं। इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं उनको निकालने के लिए जो फॉर्मूले हैं उनका विशेष ध्यान रखना होता है। फॉर्मूलों को यदि आप ध्यान नहीं रख पाएंगे तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो ऑल ओवर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मिसिंग वैल्यू निकालने वाले सारे भी जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी फॉर्मूला बेस्ड है। तो आप फॉर्मूलों को ध्यान रखेंगे तभी है जो इन सभी प्रश्न है जो इनको आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, अच्छे से ध्यान होने चाहिए, आने चाहिए। तो इसलिए आपको ये सलाह दूंगा कि आप सबसे पहले जो फॉर्मूले हैं उनको थोड़ा याद रखें, उनको दो चार बार आप लिखेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। उन्हीं के आधार पे सारी की सारी बाकी जो कैलकुलेशन आसानी से हो जाती है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करें।